हार्दिक भाई बोलते कि आपने कभी वो नहीं लगाया कोबरा परफ्यूम? हमने तो बहुत लगाया भाई। कब से देख रहे हो आप मेरा व्लॉग? बहुत टाइम से देख रहे हो। ले लो अपने लिए एक लिपस्टिक, है ना, काम तो आएगा ना। सही बात है, तुझे भी लेना पड़ेगा आईलाइनर, तेरी आंखें छोटी छोटी है ना, चाइनीज जैसी। और हमारी शादी हो चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ पो सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 एंड ऑल ऑफ सडन मेरा मैगी खाने का मन गिर गया। एंड बाकी पिछला वाला जो व्लॉग था वो मेरा पहला आईफोन 14 प्रो मैक्स का मतलब व्लॉग था, जिसमें लिटरली इतने सारे लोग जो है वो कमेंट कर रहे थे दैट आकाश जो की मतलब क्वालिटी वाइज या फिर कॉन्टेंट वाइज बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है। एंड मेरे को वही है कि मतलब आप लोग मेरी फैमिली हो एंड मैं फैमिली को ही पूछता दैट कि कैसा जा रहा है सब कुछ। एंड इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स आते हैं ना, फिर वो देख के इतना ज्यादा हैप्पी हो जाता है, इतनी नाइस फीलिंग आती है। मेरी यूट्यूब की पब्लिक जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, वो ग्रो देख के ज्यादा खुशी मिलती है कि बस भाई मतलब यार इतना ज्यादा बोलते हैं ना ब्लेस्ड फील होता है कि यार और कुछ नहीं चाहिए भाई जिंदगी में। ओके सो गाइस अभी ना 6 बज रहे हैं, अभी मैं निकल रहा हूँ डायरेक्ट ओबेरॉय मॉल बिकॉज आशिका भाटिया जो है वो अभी वापस से बीच में गई थी, मैं मिला था उनसे, फिर वापस में वो चले गए थे सूरत, थोड़ा जल्दी आना, तो उन्होंने बोला था कि जब मैं वापस आ जाऊंगी तब फिर उसके बाद मैं तेरे को फोन करती हूँ, फिर आ जाना। और ना कल रात को जब मैं गाड़ी से घर पे वापस आया फिर देन उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को स्टैंड पे लगाया तो पता नहीं कैसे अपने आप ही निकल गया इसका, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो भाई, या तो किसी ने निकाला या फिर मुझसे निकल गया, बट मैंने अभी तक एक बार भी नहीं देखा था, कल तक भी नहीं देखा था, बस कल रात को मैंने देखा। तो मैंने शायद कभी ना गाड़ी पार्किंग की होगी तो फिर उसके बाद ना कोई तो आके निकाल के गया होगा, या फिर मतलब उसको क्या ही मिलेगा ये निकाल के। इसका ये शायद नट बोल्ट ढीला हो गया है, ये इसको ऊपर, तो कोई नहीं अभी तो पहले फटफट से मैं पहुंच जाता हूँ, फिर जब टाइम मिलेगा फिर आके मैं ये पक्का ठीक कराऊंगा। तो ओबेरॉय मॉल में डायरेक्ट मैं अभी स्टारबक्स में आया, तो मैंने जस्ट अपना एक कप लिया, उसमें इन्होंने बोला डायरेक्ट ये वाली मैम, मैम आपका नाम क्या है? नम्रता, ये हमारी सब्सक्राइबर है, ये हमारा ब्लॉग देखती है, तो डायरेक्ट इन्होंने बोला कि आपके कप में नाम लिखूं या फिर आईफोन 14 प्रो मैक्स। वाह जी, कब से देख रहे हो आप मेरा ब्लॉग? बहुत टाइम से देख रहे हो, मतलब अच्छा लगता है हार्दिक भाई के साथ चिढ़ा रहे थे की मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया है, तो नाइस है, सब लोग देखते रहे मेरा, सो स्वीट, थैंक यू सो मच भाई। इंट्रोड्यूस करवा रहा है क्या? क्या इंट्रोड्यूस करवा रहा है? बिकॉज हर व्लॉग में तो हार्दिक भाई है हमारे, बट वो ये भाई जैसे ही इनको तभी हमारे व्लॉग में, क्योंकि एक बोलते हैं ना फैमिली व्लॉग चैनल है ये, तो इसमें फैमिली ही दिखेंगे, तो वैसा वाला सीन है। बाकी तो वही आशिका ने बोला है कि अभी जस्ट 10-15 मिनट में कॉल करेगी, तो फिर हमने बोला कि पहले हम कॉफी पी लेते। छोटा सा करवाया ताकि आपको मन नहीं था ना पीने का, क्या करवाया ये देखा, मेरी शरीर के साइज के हिसाब से देखियो, इतना तो आपका नाक है बस। अरे नाक जैसे ही तो है ना, पकोड़े जैसे तो नाक है आपका, देखो तो। मैडम लुक हु इज हियर, मेरे को तो बोल रहे थे, सबसे पहले इन्होंने बोला जैसे ये गए ना सूरत, तो इन्होंने बोला कि मैं कल सूरत जा रही हूँ और मैं जब वापस आऊंगी तो मैं तेरे को फोन कर दूंगी, जैसे ये मुंबई है डायरेक्ट हार्दिक भाई को फोन किया, ऐसा कैसे मतलब मेरे को समझ नहीं आया। मैं परसों रात को पहुंची हूँ और ये कॉमन फ्रेंड है इसलिए मैंने हार्दिक को फोन किया। मैं कौन अगर ये बोलते तो मैं तेरे को भी फोन करती, लेकिन इसने बोले आकाश के पास जा रहा हूँ, तो मुझे पता ना आकाश क्या कर रहा है, आकाश बिजी है। इनडायरेक्टली नहीं बोला कि आकाश के पास जा रहा हूँ, मैंने बोला जूही के पास जा रहा हूँ। इनडायरेक्टली इनको ना क्या है कि बस आकाश गया गो टू हेल्थ, इनडायरेक्टली इनको मिलना नहीं था, बट मैंने फिर फाइनली एंड ऑफ द डे मैंने बोला कि इनको चलो मिलते, तो इन्होंने बोला कि चल मिल ही लेती हूँ, घर गया ना। जैसे फोन लिया था पूरी दुनिया ने नोटिस किया, सिर्फ आशिका को छोड़ के, आशिका ने नहीं बोला कि तूने नया फोन लिया, 14 प्रो मैक्स 1 TB पर रिएक्शन देखो ऐसा होना चाहिए। वो तो बताया, बट आपके साथ इन्होंने भी तो साथ दिया था ना आपका, मजा आ गया था। अभी तक आशिका ने मेरे को बोला नहीं कि कंग्रेचुलेशन या फिर कुछ भी जोक नहीं बोला कि 14 प्रो का है। अभी मेरे को मौका मिल गया है क्योंकि इन्होंने हार्दिक भाई के टाइम पे जब ये मेरे को चिढ़ा रहे थे तो इन्होंने भी मेरे को चिढ़ाया था कि तेरा भी 14 तो है नहीं, बट फिर मैं एक चीज बोलूंगा, ये जो मैंने कवर लिया है ना इसके पीछे वायरलेस चार्जर है, आपके पास है क्या? इसके पीछे वायरलेस चार्जर नहीं है, इससे हो जाता है, इससे हो जाता है, काइंड ऑफ समझ गए ना। नहीं आपके पास है क्या दिखाओ? नहीं है जी 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 जी, ले लो ना यार। Yes, yes. जो भी आप ले लेना कवर, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला 14 प्रो मैक्स का है, 14 सुनो 14 प्रो मैक्स का है, आप ये वाला ले लेना, ठीक है, इससे चार्जर चार्जिंग हो जाता है। कई पैर नहीं पड़ा, कई आए भाई कई पैर नहीं पड़ा, घर पे जाके कपड़े धो के आया था मैं, कई पैर नहीं पड़ा, मैं नहीं करता ऐसे गंदे काम, मेहनत से लिया, मेहनत से कमाया, उनके हाथ पैर दबाया फिर उसके बाद दिया उन्होंने। बस ऑब्वियसली अगर लड़की हो साथ और लड़की को ये शॉप दिख जाए तो फिर वो मना नहीं कर सकती भाई, और हमें भी अभी यहाँ पर बोर होना पड़ेगा। ले लो अपने लिए एक लिपस्टिक, है ना, ले लो ना। सही बात है, तुझे भी लेना पड़ेगा आईलाइनर, तेरी आंखें छोटी छोटी है ना, चाइनीज जैसी।
यहाँ पर आशिका अपना अलग अच्छा परफ्यूम देख रही है। चलो भाई मेरे को लगा मेकअप वाला कुछ कॉस्मेटिक सामान देख रहे हो। यहाँ पर देखो लड़कियाँ आती है ये सब चेक करने के लिए, यहाँ पर लड़के आते हैं ये सब चेक करने के लिए बाल बूल बनाने के लिए। बस लगाओ बस एक ब्लाउज खरीद देता हूँ आपके लिए मैं। ले लिया? कुछ नहीं लिया, बस टाइम पास किया आपने यहाँ के। जो परफ्यूम चाहिए एमके का वो है नहीं, मुझे डियोर नहीं चाहिए। जो इनको परफ्यूम चाहिए थी वो तो मिली नहीं। हार्दिक भाई बोलते कि आपने कभी वो नहीं लगाया कोबरा परफ्यूम? हमने तो बहुत लगाया भाई। अरे बहुत देर तक टिकता है यार वो, बहुत ज्यादा भाई, धोने के बाद भी नहीं निकलता था। ओबरॉय मॉल के स्टारबक्स से डायरेक्ट हम इधर आ गए लव एंड लाटे में, बिकॉज हमें विंटेज कोल्ड कॉफी का इतना ज्यादा प्यार हो गया ना कसम से। तो हमने बोला कि आशिका इनको एक अच्छी सी जगह लेके चलते हैं हम। सो यहाँ का बस एक बार ना विंटेज कोल्ड कॉफी ट्राई करना भाई, बहुत सही है। इतना सब कुछ बोलने के बाद जो ये लड़की ने पिया है, बोलती है तुमने तीन कॉफी क्यों मंगाया? तो इन्होंने बोला कि मैंने कॉफी कहाँ बोला, मैंने पिज्जा बोला। मैंने ये क्या बात हुई, मैंने आपको बोला कि भाई विंटेज कॉफी ट्राई करके देखो, और बोलते डांट दिया। ये होना चाहिए इतना ज्यादा, मतलब बेशर्मी, हाँ इतनी बेशर्मी होनी चाहिए। चलो अपने लड़कों में क्या होता है ना, नॉर्मली फिर ऐसा होता है कि पता चल गया कि चल हमारे लिए भी मंगा दे, मना नहीं करते क्योंकि हमें पता है हमारे दोस्त कैसे होते हैं कि वो अगर मना कर दे तो फिर भाई झपटे मारेंगे। इससे अच्छा कोई नहीं, भले पेट भरा तो भी पियेंगे, इतना ज्यादा होता है दोस्तियों में, लड़कों की दोस्ती में यहाँ तक पियेंगे। वैसा लड़कियों में इसने कि यार ये क्यों मंगाया यार, लड़के बेशरम होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब एग्जैक्टली, मतलब मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि लड़कियाँ लड़कों से ज्यादा। और तू एक और चीज नोटिस कर, तूने एक बार रिसिप्ट लिया उसने चार बार ले लिया, वही तो। बट मेरे को जहाँ तक लगता है ना लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ तेज होती है, बट वो दिखाती नहीं है वैसा ना। आई थिंक तेज नहीं होता है, आशिका भाटिया लगती है बहुत स्वीट सोबर एंड संस्कारी। वरुण धवन की तो फैन यही है, वरुण धवन कसम से यार, अगर वरुण धवन की शादी ना होती तो आप तो कर ही लेते हैं ना, प्यार है ना आपका, उसकी तो शादी होगी, आप सबसे ज्यादा रोए होंगे ना। नहीं होता है ना कि क्रश की शादी, मतलब जैसे तारा सुतारिया के जब ब्रेकअप हुआ या फिर ये इतने ज्यादा खुश हो गए थे भाई कि भाई ब्रेकअप हो गया तारा सुतारिया का, उसकी भी शादी हो जाए मजा आ जाएगा। इतने भी बड़े सपने नहीं देखे, सपने बड़े ही देखने चाहिए, पूरे भले ना हो भले पूरे ना हो बट देखने जरूर चाहिए। अगर हो गई तो, अगर हो गई, मैंने भी शादी किया वरुण से, आपको फोटो दिखा सकते हैं। अच्छा हाँ, इन्होंने भाई शादी की वरुण धवन से, दिखाओ। ये है वरुण धवन और ये हूँ मैं, और हमारी शादी हो चुकी है फ्रेंड्स, शादी हो चुकी है गाइस। वरुण ने छुपाने की बहुत कोशिश की बट आशिका भाटिया की शादी हो चुकी है ऑलरेडी गाइस। आर यू सीरियस? ये पूरे उसको इन्होंने नंगा कर दिया पिज्जा को, इनको वेजिटेबल्स नहीं पसंद। हाँ भाई वाह, चलो खा पी लिया अभी जा रहे हैं। बट जो हमने पिज्जा को नंगा किया है ना, सिर्फ वेजिटेबल्स खाने वाले ये थे और मैं था थोड़ा बहुत बीच, बट बीच में जो टॉपिंग्स आ रहे थे वो निकाल रहा था, बाकी वेजिटेबल्स तो मैं खा रहा था। बट इन्होंने तो जो खाया रहे, इससे अच्छा बोल देते मार्गरेटा पिज्जा चाहिए आपको, हम वो ला देते। बड़ा ही गंदा बाय बाय था ये। ओके सो गाइस, अभी मैं जोई के घर पे आया था, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं शूट करने के लिए, और जो मैंने इनकी उधार शर्ट ली है, बिकॉज इनका शर्ट मेरे को लेना पड़ा, बिकॉज मेरे पास जो मैं पहन के आया था वो काइंड ऑफ शूट करने लायक थी नहीं, तो फिर मैंने बोला थोड़ा उधार दे दो, मतलब भीग दे दी इन्होंने थोड़ी सी। सो बेसिकली हमें ये वाले पूरे लाइन में शूट करना है, मतलब पूरा तो नहीं जाएगा, एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम देखेंगे कोई अच्छा सा रहा, बट मेरे को ऐसा गट फीलिंग आ रहा है और जोई को भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि वॉचमैन पक्का तो कुछ तो बोलेगा। पहले कैमरा नहीं निकालते, पहले पूछ लेते कि भाई करने देंगे कि नहीं, अगर नहीं करने दिया ना फिर तो फिर वापस जाना पड़ेगा यार। तो हमने यहाँ पर अभी गार्ड भैया को पूछा, तो उन्होंने बोला कि शूट तो कर सकते आप, तो कैमरा से कर लो, कैमरा से भी नहीं मतलब फोन के कैमरे की बात कर रहे थे वो। लेट्स सी, देखते हैं अगर इन लोगों ने गिम्बल वगैरह कैमरा वगैरह देख लिया तो मे भी शायद ये लोग टोक सकते हैं। सो हमने अभी तक एक ही टेक लिया है, एक टेक लेने के बाद हमारा लक भी बोल सकते हैं इतना सही है कि भाई फिर उसके बाद जितनी भी लाइटिंग वगैरह आप देख रहे हो, ट्री के पूरे जितने भी लाइट वगैरह ये सब भी बंद कर दिया इन लोगों ने, एंड फिर वो ये कि एक टेक जो हमने लिया है आई थिंक सो मे बी वो अच्छा जाए। अभी तो मैं घर पे आ चुका हूं, दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग, होप करता हूं कि पूरा ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करने का, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू, बाय 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 बाय।